रुक करते हैं अगली खबर की ओर और यह खबर हमारे पास गुजरात से आ रही है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पूरे विश्व में जहां तिरंगा लहराकर उसका सम्मान किया गया, इस कार्यक्रम के अनुरूप आज नर्मदा जिले के केवड़िया कॉलोनी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी द्वारा स्वागत स्थल पर आज़ादी के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ध्वजवंदन का कार्यक्रम किया गया था, जहां श्री नीलेश भाई दुबे की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में सरदार सरोवर नर्मदा निगम तथा जी सेक के कर्मचारियों के साथ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का पूरा स्टाफ तथा अन्य गांवों के लोग उपस्थित रहे थे। कार्यक्रम में केवड़िया कॉलोनी नवोदय पाठशाला के बच्चों ने झंडा गीत तथा राष्ट्रगीत और देशभक्ति के गीत गाकर बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ इस कार्यक्रम को मनाया। कार्यक्रम का संचालन वीर सुखदेव पाठशाला के प्रिंसिपल श्री योगेश भाई पटेल ने किया था। इस कार्यक्रम के बारे में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के श्री नीलेश भाई दुबे ने क्या कहा, आइए वह सुनते हैं। गुजरात नर्मदा से गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। आज 73वां स्वतंत्र दिवस है। केवड़िया खाते स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ना चीफ एडमिनिस्ट्रेटर कचेरी नू एक ध्वजवंदन कार्यक्रम नू आयोजन थयेल हतुं अने कार्यक्रम संपन्न थयो छे। खास करीने ज्यारे केवड़िया एक विश्वना नक्शा उपर एक महत्वनुं स्थान बनी रह्युं छे, माननीय मुख्यमंत्री अने माननीय प्रधानमंत्रीश्रीना एक दृष्टिकोणथी जयरे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ने जोवा देश अने दुनियाना विविध खूणाओथी लोको आवी रह्या छे, त्यारे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कचेरी आजे आगामी समय में जे प्रवासीओ आवे छे तेने अमे सारामां सारी सेवाओ अने उत्कृष्ट अनुभव आपवा माटे कटिबद्ध छे। अने आजे स्वातंत्र्य दिवसे अमे सौए एना माटे एकठा थईने तेनी कटिबद्धता जाहिर करी छे।